उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्र सरकार की विफलताओं को उजागर करने का फैसला किया। रविवार 24 मार्च को कांग्रेस के पदाधिकारी प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोलेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस समय केंद्र सरकार देश में लोकतंत्र की हत्या करने में जुटी हुई है और विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो खुलासे हुए उससे भी साफ हुआ कि भाजपा सरकार दबाव बनाकर धन उगाही कर रही है। देखिए, पूरे लोकतंत्र की हत्या बीजेपी कर रही है। एक तरफ विपक्ष की पार्टियों के ऊपर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे डाले जा रहे हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जिस तरीके से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर चीजें बाहर निकल गई हैं, कंपनीज को एक्स्ट्रा बेनिफिट देने के नाम पर वसूली करना, उनके ऊपर छापे डालकर उनको दबाव में लेकर उनसे वसूली करना, ऐसी कंपनी जिनका प्रॉफिट 1 करोड़ 2 करोड़, उनसे 100-100 करोड़ रुपए का चंदा लेना, इसका मतलब आपने ब्लैक मनी को अपने खातों में डलवाने का काम इन कंपनीज के माध्यम से किया है। जिस तरीके से उत्तराखंड में जो सिलक्यारा टनल बन रही है उसमें जो कंपनी काम कर रही है उस कंपनी ने भी एक बड़ा अमाउंट जो है बीजेपी को इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से दिया है। इन सभी विषयों पर जनता को अवेयर करने के लिए हमारे लोग जो है कल हर जिला मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और लोगों तक इन बातों को पहुँचाएंगे।